हेलो एवरीवन, मैं भागीरथ आप सभी का स्वागत करता हूँ टुडे एग्जाम क्लासेस में। सो आज हम देखने जा रहे हैं एशियंस गेम्स के बारे में जो हाल ही में 2023 में समाप्त हुए थे। इसका 19वां वर्जन था, चीन के हांगझाउ शहर में हुए थे। उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आने वाले करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आज के टाइम स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई थिंक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो आपको पूरा पूरा वीडियो देखना है, 7-8 मिनट का होगा लेकिन पूरा देखना है आपको, ठीक है ना। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो चलते हैं टॉपिक पे। एशियाई खेल 2022-23 वाला वर्जन था ये। कौन सा वर्जन है? 19वां। और इसका आयोजन हुआ था हांगझाउ शहर, चीन के हांगझाउ शहर में हुआ था। कब से कब तक हुआ था ये? 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ था, ठीक है ना। शुभंकर था इसका चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान। और इसका जो आदर्श वाक्य था वो दिल से दिल एट द रेट भविष्य, यानी हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। एशियन गेम्स 2023 में भारत के कुल 655 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसका उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक था, जब एशियन गेम्स की शुरुआत हो रही थी उस टाइम ध्वजवाहक के रूप में पूरी टीम को लीड किया था हरमनप्रीत सिंह ने और लवलीना ने, ठीक है ना। लवलीना आपको आई थिंक पता होगा, असम की है और बॉक्सर है एक, है ना। और समापन जब एशियन गेम समाप्त हुए तो उस टाइम ध्वजवाहक के रूप में रहे थे पीआर श्रीजेश। ये आपको याद रखना है कि ओपनिंग के टाइम हरमनप्रीत सिंह और लवलीना थे और पीआर श्रीजेश थे, और एशियन गेम की समाप्ति के टाइम ध्वजवाहक थे। भारत के इन 655 खिलाड़ियों में से 107 पदक जीते थे। भारत के कुल पदक आए थे 107 पदक, जिसमें से 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर था और 41 ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य पदक जीतकर भारत ने चौथा स्थान हासिल किया था। इसमें पहला स्थान था चीन का, जिसमें चीन ने 382 पदक जीते थे, जिसमें 200 गोल्ड थे, 111 थे वो सिल्वर वाले थे और 71 यानी 71 थे वो कांस्य पदक थे। और चीन रहा था पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर रहा था जापान और तीसरे स्थान पर रहा था दक्षिणी कोरिया और चौथे स्थान पर रहा था भारत। ये भी आपको याद रखना है कि पदक तालिका में कितने पदक जीते थे, 107, जिसमें से 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज थे। भारत है वो चौथे स्थान पर रहा था और पहले स्थान पर रहा था चीन। आगे वाले जो 20वें एशियाई गेम होंगे वो जापान में होंगे। और सबसे पहले एशियाई गेम का आयोजन ही हमारे इंडिया में किया गया था, वो था 1951 में। ये भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में याद रखना है। और आगे वाला देखना है कि आगे वाले एशियन गेम 19 वाला तो हमारा ये चीन हांगझाउ में हुआ था, लेकिन 20वां एशियन गेम होंगे वो जापान में होंगे। ये भी आपको आप साथ में याद रखना है, ठीक है ना। चलो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और टेलीग्राम का भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।